स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ITI पाठशाला में। जो आपका मासिक टेस्ट होएगा, मंथली टेस्ट, वो ऑनलाइन, उसके लिए आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। लिंक आपके ग्रुप में, इस तरीके से काफी लिंक होंगे, आप इन 8 लिंक में से कोई एक लिंक यूज कर सकते हो। साथ में इस तरीके से कोई PDF होगी या कोई इमेज होगी जिसमें आपके क्वेश्चन गिवन होंगे। तो आपको क्या करना है, इस लिंक पर जाना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आपके पास इस तरीके की एक शीट ओपन होगी। तो सबसे पहले कॉलम में क्या करना, आपको अपनी मेल आईडी फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम आपके पास, उसमें आपको अपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है कि आप गवर्नमेंट ITI में पढ़ते हो या प्राइवेट ITI में, यहाँ पे चूज करना। उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो नेक्स्ट का कॉलम दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपनी, अगर आपकी जो गवर्नमेंट ITI थी, उस ITI को आपको चूज करना है। यहाँ पर ITI चूज करने के बाद आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो ये आपकी ट्रेड पूछेगा, तो यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड फिल कर देनी है, जो भी आपकी ट्रेड है। फिर आपको दोबारा से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में। तो यहाँ अगर आप फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर पर क्लिक करोगे, सेकेंड ईयर में तो सेकेंड ईयर में। उसके बाद आपको सेक्शन चूज करना है। अगर आपको सेक्शन के बारे में नहीं पता तो अपने ट्रेड इंस्ट्रक्टर से पूछ लेना। तो सेक्शन चूज करने के बाद उसके बाद क्या फिल करोगे, ट्रेनी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपके एक रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन होगा आपके फॉर्म में, तो आपको वो यहाँ पर एंटर करना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एडमिशन के टाइम मिला होगा, जो R से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको अपना ट्रेनिंग नेम लिखना है। यहाँ पे बच्चे काफी गलती करते हैं, यहाँ पे अपनी ट्रेड लिख देते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपको आपका फादर नेम, उसके बाद फोन नंबर, इतनी डिटेल एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। इसके बाद जो भी आपका एग्जाम होगा, ट्रेड थ्योरी है, ES का पेपर है, या WS का, या इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो इसमें से आपको जो भी आपका एग्जाम होगा, वो वाला एग्जाम आपको सब्जेक्ट चूज कर लेना है। सब्जेक्ट चूज करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन 1 ABCD, क्वेश्चन 2 ABC और D। तो इन जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो आपको आपकी PDF से मिले, इस तरीके से कोई पेपर गिवन होगा, ठीक है। ये PDF की फॉर्म में या JPG की फॉर्म में पेपर गिवन होगा, आप उस एग्जाम को ओपन कर लेना PDF को, और उसमें अपने सभी क्वेश्चन देख सकते हो। जैसे ये तुम आपका मासिक परीक्षाफल अप्रैल, तो इसमें जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन रीड कर लेना। उसके बाद जो भी ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन आपको क्या करना, आपको अपनी गूगल शीट में फिल करना है, ठीक है। वहां से जो आपका आंसर होगा, वही आंसर आप यहाँ पर फिल करोगे। तो अभी टेम्परेरी आंसर फिल कर रहे हम इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, ठीक है। ऑप्शन कौन सी चूज करनी है, जो आपको PDF दे रखी होगी, जो भी आपके एग्जाम में इनके होंगे, तो आपको इनके ऑप्शन चूज करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, इसकी 4 ऑप्शन है, तो जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा, वही करेक्ट आंसर आप अपनी गूगल सीट में फिल करोगे, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे, अगर आपके बीच में इस तरीके का एरर आता है, काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं, इस तरीके का एरर आ जाता है, तो आपको यहाँ रीड करना क्या लिखा हुआ, टैक्सी। तो जिस जिस इमेज में आपको टैक्सी दिखाई देती है, आपको उस पर क्लिक करने से, और इसको नेक्स्ट करके वेरीफाई कर देना, ठीक है। तो फिर बाद में क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका जो आंसर शीट नंबर 7 थी, उसका जो रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्डेड हो चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने टीचर के पास भेज सकते हो। थैंक यू। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।